एक्सक्यूज मैम, गुड इवनिंग मैम, एक्सक्यूज मैम, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? नहीं, सुनना है गाइस, हमें मरून शुरू करते हैं। हेलो गाइस, हैप्पी बर्थडे सोमिल। थैंक यू। तो हम पहले पायरेट्स ऑफ ग्रिल जाने वाले थे, पर बॉयज की जिद की वजह से अब हम अबव एंड बियॉन्ड जा रहे हैं। और कैफे आने के बाद हमें रियलाइज होता है कि ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, मेन्यू भी नहीं, प्राइजेस भी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने इन्हें खूब ताने मारे, बहुत सुनाया इन्हें। फिर इस कैफे से बस एक पानी की बॉटल लेकर निकल गए पायरेट्स ऑफ ग्रिल के लिए। अब खाया तो कुछ नहीं, पर एम्बियंस अच्छा था तो खूब सारी फोटोज क्लिक करवा ली हमने। भले ही कैफे का ओनर कितनी गालियां दे रहा हो, पर फोटोज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। भैया एक फोटो दे 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 दे। गाइस हमें मरून, इधर आइए जरा प्लीज। भूपेंद्र जोगी, हम आए थे भूपेंद्र जोगी बन के अबव एंड बियॉन्ड में, और यहाँ पे 100 रुपए का पानी पी के कम से कम 600 रुपए बता दो भूपेंद्र जोगी, और 600 रुपए किराए में खर्च करके अब जा रहे हैं पावर एंड क्या पायरेट्स एंड ग्रिल्स। तो आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में। और ये हैं शैली जी, इनकी वजह से हम पानी महंगा था, पानी बहुत महंगा था गाइस, राजस्थान की याद आ गई। अबू धाबी में भी नहीं इतना महंगा पानी गाइस। नाम बता दीजिए। पानी भूपेंद्र जोगी, अरे बोतल का पानी का नाम बता दीजिए। ये भी भूपेंद्र जोगी है। अच्छा, ये भी जोगी है। सो फाइनली अब हम पायरेट्स ऑफ ग्रिल जा रहे हैं, इसलिए कहते हैं लड़कियों की बात मान लेनी चाहिए पहले। अगर ये लोग मान जाते तो अबव एंड बियॉन्ड में इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। सो डीबी मॉल आने के बाद हम अपनी औकात के बाहर की चीजें देखते हैं, जो कि ऑब्वियसली हमें नहीं खरीदनी है। इतने महंगे कपड़े देखने के बाद हमें याद आता है कि हम सब बस यहाँ खाना खाने आए हैं। सो जस्ट आफ्टर एंटरिंग इन टू द रेस्टोरेंट, इनका मैंडेटरी फोटो सेशन स्टार्ट हो जाता है। फिर बर्थडे बॉय अपनी मम्मी और दीदी से इंट्रोड्यूस करवाता है। थोड़ी देर तमीज से बैठ के खाने की एक्टिंग करने के बाद इन सबके अंदर का हॉस्टलर जाग जाता है और सब अपने असली रूप में आ जाते हैं। सोमिल की केक कटिंग करते करते पायरेट्स ऑफ ग्रिल को भी सागर गहरे बना देते हैं। और ऑब्वियसली खाना अनलिमिटेड था, तो सब ऐसे भर भर के खा रहे थे जैसे एक दो महीने तक हॉस्टल में ढंग का खाना मिलने ही नहीं वाला। तेरा पेट तो इतना सा, इतना सब खाने की जगह कहाँ से आ रही है? कुछ है, थोड़ा पेस्ट्री कम है, और भी ज्यादा होता तो मजा आता। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। लास्ट में सारा बिल पे करने के बाद सोमिल की हालत कुछ ऐसी हो गई थी। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती। तो जैसे सर आप
फिर हमने कुछ ग्रुप फोटोज क्लिक की। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग आए थे कैब में, जा रहे हैं ऑटो में, बस हमारी सारी रईसी खाने में ही खत्म हो गई। देन हम सब सोमिल को ड्रॉप करने के लिए रानी कमलापति जाते हैं, क्योंकि उसकी आज की घर जाने की ट्रेन थी। छोटू अगर बॉस को भी दो। देख रहे हो गाइस, बस ऐसा दोस्त होना चाहिए जो अपने बर्थडे की ट्रीट देने के लिए घर जाना थोड़ा सा डिले कर दे। हेलो गाइस, होप यू ऑल लाइक द जर्नी ऑफ गाड़ी संख्या 2647। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन 2647 का मतलब क्या है। स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।